बच्चों, फिर से इस क्लास में आप सब लोगों को स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, टेस्ट बुक में जो जोड़ कर लिखा जाएगा शब्द, जोड़ कर लिखने वाले शब्द की अभ्यास किए थे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे। पाठ में जो आने वाले व्याकरण को पढ़ेंगे। पहले हम संज्ञा के बारे में संज्ञा के बारे में विचार करेंगे, तो बाद में हम पाठ पढ़ेंगे। तो व्याकरण में ग्रामर में संज्ञा यानी नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाउन किसी व्यक्ति, व्यक्ति यानी पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति। तो वस्तु पुस्तक, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक। स्थान, स्थान जो भी होता है, पर्टिकुलर प्लेस होता है। तो स्थान यानी जैसे कि आपके शाला, स्कूल, जैसे कि आपके घर, वैसे स्थान होता है। भाव, भाव यानी के जो हमारे मुख में प्रकट होता है, जैसे कि भाव, एक फूल को देखा तो कितना अच्छा फूल है, तो बहुत सुंदर है, ऐसा बोलते हैं, तो भाव प्रकट करते हैं। तो प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी आपकी बोली से मुझको बहुत प्रसन्नता हुई, आप जो हमको समझाए प्रसन्नता, ऐसे भाव प्रकट करते हैं। तो पदार्थ, यहाँ लिखने के लिए बोर्ड नहीं तो हम यहाँ लिखे, पदार्थ यानी के थिंग्स, थिंग्स को सोना, सोना यानी के गले में जो चेन डालते हैं उसको पदार्थ यानी थिंग्स, सोना। तो इस क्लास में व्याकरण के पाठ में संज्ञा का अभ्यास करेंगे हम, संज्ञा और उसके उदाहरण को देखेंगे। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, गद्य पाठ पढ़ेंगे। तारा यानी तारा एक लड़की का नाम है, तो वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो पाठ में जो पाठ पढ़ेंगे, पाठ में जो जो शब्द आएंगे, हम किसी व्यक्ति का नाम रहे तो राउंड करेंगे, वस्तु का नाम यानी स्थान का नाम, भाव का नाम या पदार्थ का नाम हम यहाँ पहचानेंगे। तो कल हम क्या करेंगे, पाठ पढ़ेंगे बच्चों। तो इस क्लास यही खत्म होता है। तो थैंक यू बच्चों।